हेलो टू एवरीवन। सरकारी मिडिल स्कूल मेहंदीपुर वालों तुहाडा सारिआं दा फटाफट ऑडियो उड़ान एपीसोड नंबर 4 दे विच बहुत बहुत स्वागत है। ते अज दे इस एपीसोड दे विच असीं करांगे शीट नंबर 31 तो लैके शीट नंबर 40 तक दी ऑडियो फटाफट दोहराई, जो कि 6वीं तो 8वीं जमात दे विद्यार्थियों लई है। ते आओ शुरू करदे हां। साडे कोल प्रश्न नंबर 91 है, पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का दफ्तर किस शहर विच है? इन विच सिटी इज़ द ऑफिस ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड लोकेटेड? साढ़े को ऑप्शनस हैं, तो उन्होंने ऑप्शनस के विच सही उत्तर साढ़े को है मोहाली। प्रश्न नंबर 92, जिन्हों शब्दों तो किसी मनुख वस्तु थां आदि का पता लगे उसनों डैश कहते हैं, उसनों आम नाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 93, दिते गए चार उत्तर चित्रां विच्चों केड़ा चित्र प्रश्न चित्र नाल मिलके वर्ग बनावेगा? आउट ऑफ द गिवन आंसर फिगर्स विच आंसर फिगर विल जॉइन विद क्वेश्चन फिगर टू मेक अ स्क्वायर? तो असीं देखते पए हैं जो साडे कोल प्रश्न चित्र है उस विच एक वर्ग है, तो वर्ग की कटिंग की गई है। कटिंग का जो सैकेंड पार्ट है, जो कटिया पार्ट है, वह सानू ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्से चो भी लभना है। तो असं देखते हैं कि ईड़ी पार्ट में जे असी इसे फिट करने की कोशिश करिए तो पूरी तरह फिट हो जाता है। तो इस प्रकार सही उत्तर है ईड़ी। अगे है प्रश्न नंबर 94, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता जी कौन सन? हु वॉज द मदर ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब? तो साढ़े को सही उत्तर है माता नानकी। प्रश्न नंबर 95, अंकों का अजिहा समूह चुनो जिस अनुसार जे अखरों को तरतीब दी जाए तो कोई सार्थक शब्द बने। सिलेक्ट द कंबीनेशन ऑफ नंबर्स सो डैट द लैटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो असं देखते हाँ कि साढ़े को जो असी जो साढ़े को अल्फाबेट्स दिते हुए हैं इस आप एक वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो नेचर वर्ड बनता है। तो इस प्रकार 4 3 2 देखिए असी ये है कितने 4 3 2 यस। तो ईडी जड़ा है ये सही ऑप्शन जी है साढ़े लिए है। सो ईडी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, विच विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2020? 2020 तो बाद अगला लीप का साल केड़ा होगा? सानू पता है कि लीप ईयर इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। सो इस प्रकार 2020 तो बाद 2024 के बीच ईड़ी पार्ट जड़ा हैगा है इस सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97, इफ अ परसन सफर्स फ्रॉम जॉन्डिस विच पार्ट ऑफ हिज बॉडी विल बी अफेक्टेड? जेकर व्यक्ति पीलिया रोग नाल पीड़ित होवे तो उसका केड़ा अंग प्रभावित होगा? ऑप्शंस साढ़े सामने हैं, तो सही उत्तर है जिगर, जिन्हों के असं अंग्रेजी विच लीवर कहते हैं। प्रश्न नंबर 98, जय हिंद का नारा किसने दिता? हु गेव द स्लोगन जय हिंद? दिखाई गई ऑप्शंस दे विच सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 99, फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी सेम एज शोन इन पिक्चर ए एंड बी। सो जिस तरह चित्र ए अते बी का संबंध है उसी तरह द सी अते डी विच स्थापित करने लिए उत्तर चित्र विचों सही उत्तर लभो। तो असं देख रहे हैं कि इतने जोड़े आ सैमी सर्कल्स है ठीक है, मतलब उसनों आर्क दी गई है दो जिन्हों की पिट्ठ जुड़ी हुई है। तो उन्होंने आर्क में जो असी आपस में सामने फ्रंट तो असं मिलाने तो एक सर्कल का रूप ले लेंदा है अगले चित्र के। तो ऐसे तरीके दे नाल असी जो तीजे नंबर चित्र दिता है उसनों बजाय इन्हों पिट्ठा जोड़न दे इन्हों आमने सामने जोड़िए तो यह एक स्केयर का काम करेगा, स्केयर वर्ग हो जाएगा, वर्ग वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर है ईडी। अगे है प्रश्न नंबर 100, घरां विच आम वरते जाण वाले दर्पण नूं की कहिंदे हन? विच टाइप ऑफ मिरर इज कॉमनली यूज इन होम्स? सो दिते गए ऑप्शनस दे विच राइट ऑप्शन जिहड़ी हैगी आ वो है ईडी।
समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 101, कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको, किस गुरु साहिब जी का उपदेश है? दी गई ऑप्शंस दे विच्चों सही उत्तर है श्री गुरु अमरदास जी। प्रश्न नंबर 102, गूगल की है, व्हाट इज गूगल? साढ़े को ऑप्शन दतिया हैं तो इन्ह ऑप्शन दे विच्चों सही ऑप्शन है एड़ा सर्च इंजन। गूगल इज अ सर्च इंजन। प्रश्न नंबर 103, शहीद भगत सिंह नूं कदों फांसी दिती गई? वैन वॉज शहीद भगत सिंह हैंगड? सही उत्तर है 23 मार्च 1931। पंजाबी व्याकरण विच विशेषण किन्ने तरह के होंदे हन? दिते गए ऑप्शन विचों सही उत्तर ईड़ी है, 5 तरह के होंदे हन। प्रश्न नंबर 5, एक वर्गाकार कागज़ के टुकड़े नूं चित्र विच दित्ते अनुसार बिंदु रेखावां ते अनुसार मोड़िया गया, फिर इस नूं आखरी चित्र अनुसार कटिया गया। कागज़ खोलण उपरंत यह किहो जिहा लगेगा? इफ अ स्क्वेयर्ड पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एज पर पिक्चर गिवन बिलो एंड कट डाउन एज शोन इन लास्ट पिक्चर, हाउ विल इट लुक ऑन ओपनिंग इट अप? सो साडे कोल प्रश्न चित्र दिता होया है ते असी इस नूं हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, असी एक वर्गाकार पेपर लिया सी, उस नूं दसे गए अनुसार असी इस तरीके दे नाल मोड़ लिया सेगा, फिर इस तरीके नाल जो लास्ट चित्र विच दिखाया गया है कि उस नूं इस तरीके नाल कटना है। आ देखो आपां कटिया है, जो असी इस नूं ओपन करते हैं पूरी तरह इस नूं खोलते हैं तो साडे कोल आह शक्ल बनती है जो कि ऐड़े दे नाल पूरी तरह मेल खाती है। सो इस प्रकार सही उत्तर है ऐड़ा। प्रश्न नंबर 106, अजिहे जानवर जो पौधे अते दूजे जानवरों नूं अपना भोजन बनाउंदे हन, उन्हां नूं किहड़े प्राणी कहा जाता है? एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड वट क्रिएचर्स? सो दिए गए ऑप्शन के विचों सही ऑप्शन है ओमनीवोर्स, सर्व आहारी। प्रश्न नंबर 107, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा केड़ी है? वट इज़ द नैशनल करंसी ऑफ इंडिया? सो दिए गए ऑप्शन विचों सही उत्तर है ईड़ी, रुपी, रुपया। प्रश्न नंबर 108, एक वर्गाकार पैटर्न शीट बना के दिती गई है ते चित्र विच दिते चार विकल्पां ए बी सी डी विचों विकल्प चुनो। जो आर पार देखण वाली शीट नूं टुटवीं लाइन अनुसार मोड़िया जाता है तो शीट किस तरह दिखाई देवेगी? अस्क्योर ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न इज गिवन, फिगर आउट फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिवस एज शोन द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड टिल द डॉटेड लाइन। सो असी देखते हैं कि जो असी इस फोल्ड कर देंगे हैं तो साढ़े को ऊड़ा चित्र जोड़ा है वह बनना चाहिए है। तो सही उत्तर है ऊड़ा। प्रश्न नंबर 109, गुरु गोबिंद सिंह जी दे वड्डे साहिबजादे किस लड़ाई विच शहीद हुए सन? इन विच बैटल वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी मार्टायर्ड? सो दिती गई सही ऑप्शन के विचों सही ऑप्शन है चमकौर साहब की लड़ाई। 110, पंजाब का कुल खेत्रफल कितना है? वट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब? सही उत्तर है ईड़ी, 50,362 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 111, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स? खट्टे स्वाद वाले फलों विच केड़ा विटामिन होंदा है? दिते गए ऑप्शन दे विचों सही उत्तर है विटामिन सी।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 112। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਵਾਈਲ ਇਨ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿਥ ਵਟ ਨਿਊ ਨੇਮ ਡਿਡ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਹਿਮਸੈਲਫ? ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 113। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਸਮ ਆਫ ਐਨੀ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਦੈਨ ਦਾ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਆਫ ਸੀ ਪੀ ਯੂ? ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 115। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਜੋ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਔਨ 29th ਆਫ ਅਗਸਤ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ? ਵੇਅਰ ਵਰ ਦਾ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੈਲਡ? ਦਾ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਵਰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਜਕਾਰਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 117। ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੰਦੂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰ, ਇਫ ਅ ਸਕਿਓਰ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਫੋਲਡਿਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਿਕਚਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਲਾਸਟ ਫਿਗਰ, ਹਾਓ ਵਿਲ ਇਟ ਲੁੱਕ ਔਨ ਓਪਨਿੰਗ ਇਟ ਅਪ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਸੱਸੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 118। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 119। ਛੱਤਬੀੜ ਪਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਛੱਤਬੀੜ ਪਾਰਕ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 120। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਈ ਵਿਚ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨਾਂਦੇੜ ਨੋਨ ਇਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ? ਸੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ ਆਡੀਓ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 50 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੇ ਯੂ ਆਲ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।